यमुनानगर में भी किसानों के बंद का असर देखने को मिला। किसानों ने हाईवे से लेकर टोल प्लाजा और रेलवे ट्रैक साथ ही जिले की चारों विधानसभाओं में अलग अलग जगहों पर जाम लगाया। वहीं इस दौरान उन्होंने इमरजेंसी सेवाओं को जाने दिया। किसानों ने कहा कि 10 महीने से आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। इसी के चलते भारत बंद का ऐलान किया गया था। किसानों का कहना है कि सरकार को उनकी बात माननी पड़ेगी और सरकार जब तक इन कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने भारत बंद के आह्वान पर सुबह से ही रेलवे ट्रैक पर बैठना शुरू कर दिया था। किसानों ने गोलनपुर के पास सहारनपुर अंबाला रेलवे ट्रैक से आ रही दोनों मालगाड़ियों को कुछ ही दूरी पर रोक दिया और उसके आगे ट्रैक पर धरने पर बैठ गए। भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान संजू ने बताया कि 10 महीने से किसान अपने घरों से मरने के लिए निकले हैं और जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होती तब तक ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेंगे। यमुनानगर के अंदर हम कहते पूर्ण रूप से जाम रहा है। हमने जो अपनी मीटिंग की थी उसमें फैसला लिया था, तकरीबन 10 से 15 पॉइंट निश्चित किए थे। एक रेलवे ट्रैक का पॉइंट था जहां पर हम बैठे हैं। दोनों ट्रेनें रुकी हुई हैं, तो आने आमने सामने। और यमुनानगर में तकरीबन हमारे को जो सूचनाएं मिली हैं, तकरीबन 30 से 35 स्थानों पर जाम लग चुका है। बहुत से लिंक रोड जाम हो चुके हैं। हमारे जो मेन पॉइंट थे वो तो थे नेशनल हाईवे जाम है, टोल प्लाजा पर जहाँ 9 महीने से धरना चल रहा है वहाँ पर जाम है, बिलासपुर में जाम है, छछरौली में पोंटा रोड जाम है, रादौर में जो है त्रिवेणी चौक जाम है, इस प्रकार सहारनपुर रोड जो पुराना ब्रह्मपुरा के पास वो जाम है, सडोरा में जाम है, तकरीबन पूरा यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट जाम है। और हम कहेंगे पूरी जनता का हमारे को समर्थन मिला है। जो छोटे कस्बों के हैं, जो गांव के नज़दीक के बाजार हैं वो पूर्ण रूप से बंद हैं, चाहे मुस्ताबाद का बाजार हो, थाना छप्पर का हो, रादौर का हो, पूर्ण रूप से बंद है। बहुत से कर्मचारी भाइयों ने समर्थन दिया गया है, बहुत सी ट्रेड यूनियन ने समर्थन दिया है, बैंक यूनियन ने समर्थन दिया है, हम कहेंगे बार एसोसिएशन ने समर्थन दिया है, बहुत साथियों का हमारे को इसमें पूरा जोर समर्थन हमारे को मिला है। जब तक जीत नहीं जाते जब तक आंदोलन चलेगा, क्योंकि ये आंदोलन जीतना हमारी मजबूरी बन चुका है, क्योंकि फसल और नस्ल बचाने की है। अगर फसल नहीं रहेगी तो नस्ल कैसे बचेगी, उसको बचाने का आंदोलन है। इसको जीतना आज हमारी मजबूरी है। मैं अगर सरकार अब भी नहीं मानती, ये जो भारत बंद का प्रोग्राम है, जनता हम नहीं चाहते जनता परेशान हो, लेकिन सरकारें आँख कान बंद कर कर बैठी है कि उसको जगाने के लिए है कि सुन ले किसानों की बात, नहीं तो फिर नवंबर में एक बड़ा फैसला लिया जाएगा।